क्योंकि यही कर सकते हैं भगवान लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य ठीक रहे, भगवान ऐसी राखी आते रहे हमने भाई को पाल। सो गाइस मैं आया हूँ भीमताल ननिहाल अपने मामा जी से मिलने के लिए और उनको राखी देने के लिए, कि जो राखी मम्मी जी ने दी थी ना मैं घर में भूल गया हूँ। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू मैनी ब्लॉग। सो गाइस हो गई एक नई सुबह की शुरुआत बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से, आज मैं निकल रहा हूँ नैनीताल के लिए। तो गाइस मैं हो चुका हूँ तैयार और गाइस हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है। वैसे गाइस पहले मैं सोचा कि मैं गोप्रो लेकर जाता हूँ नैनीताल के लिए, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो गोप्रो को भी साइड रहने देते हैं, ऐसे चलते हैं। तो गाइस फिलहाल चलते नीचे नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं अपने नैनीताल के लिए। नहीं चाचू आ जाओ, फिर कौन आया भाई? जय बाबा जी आए। तो चाचू बाबा जी को देना। हाँ बड़े चलो 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 चलो। ओ चाचू नाश्ता आ गया बन। सो चलिए गाइस नाश्ता वास्ता हो गया है, प्लान में हो गया थोड़ा सा परिवर्तन। परिवर्तन ये गाइस और गाइस वापसी में हम लोग आएंगे भीमताल से होते हुए, क्योंकि मामा जी को राखी देनी है और कुछ लेके जा रहे हैं मामा जी के लिए फ्रूट्स वगैरह, वो भी उनको देने। तो गाइस फिलहाल मैं ऊपर आया था गोप्रो लेने के लिए। गाइस पहले मैं सोच रहा कि गोप्रो की क्या जरूरत है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो गोप्रो लगा ही लेते हैं, क्योंकि नैनीताल जी जगह जा रही है इतनी अच्छी जगह घूमने के लिए, तो हमेशा तो फोन निकाल नहीं पाऊंगा, तो मैंने अपना गोप्रो ले लिया। करते हैं इसको स्टार्ट। सो गाइस यहां से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहां से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब अगले जो व्लॉग बनेगा वो बनेगा गोप्रो से। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। चलते हैं नैनीताल, भीमताल, भवाली, खैरना, गर्म पानी घूम के आते हैं। मेरे भाई साहब से मिल करके आना। ठीक हो गया, राखी देकर के आ जाना, फिर तो जा रहा है, फिर आप चले जाएगी राखी वहाँ। ठीक हो गया, ओके। हर साल पूछ के आना कैसे हैं क्या है, मिठाई तो खानी रहेगी, तो टूट लेकर चले जाना। भगवान लंबी उम्र दे, स्वास्थ्य ठीक रहे, सही, भगवान ऐसी राखी आते रहे, हमने भाई को बात। ओके चाचू, बाय बाय। क्या खाओगे? टॉफी, चिप्स, केक, हाँ? सब खाओगे? हाँ? पक्का? हाँ? बर्बाद तो नहीं करोगे? ठीक है, डन हो गया। चलिए जी अब निकला जाए फाइनली। सो लेट्स गो टू नैनीताल। और भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालत हो रही है, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी भर गई चारों तरफ। तो ये जितने भी हैं नगर पालिका वाले और बुग्गी वाले, इनके तो बड़े मजा आ गए बुग्गी वालों के, तो गली गली में घुस घुस के मिट्टी निकाल के बेच के आ रहे हैं। तो सोच लेके इस बहुत दिनों बाद स्कूटी में डलवाते हैं पेट्रोल। सो गाइस पेट्रोल डलवा लिया, अब थोड़ी हवा चेक करी जाए स्कूटी की। और भाई साहब ये देखिए गाइस, सुबह सुबह भाई साहब ने दारू की बोतल लेके बैठा है, बियर की बोतल लेके और पीने में लगा है। चलिए गाइस खुद से हवा भर लेते हैं। तो चलिए गाइस हवा भर ली है, अब निकलते हैं आगे की तरफ। सो गाइज अब देखिए क्या मौसम हो गया पहाड़ों का, गजब एकदम। गाइज देखिए कितना खतरनाक कोहरा लग रहा है मेरे आसपास, देखिए गाइज पूरे पहाड़ गिर रहे नीचे की तरफ, लैंडस्लाइडिंग हो रही बड़ी गंदी वाली। सो चलिए गाइज फाइनली पहुंच गए नैनीताल और गाइज ये आ रही है हमारी पहली वाली कैंटीन। तो चलिए गाइज पहुंच गए पहले कैंटीन में, ही स्कूटी लगाते हैं साइड में और चलते हैं अंदर। सो चलिए गाइज फाइनली पहुंच गया हूं नैनीताल। सो चलते हैं अपनी पहली कैंटीन में सामने एनसीसी वाली में, उसके बाद गाइज जाना है केला खान यानी नीचे वाली कैंटीन में, तो वहीं से गाइस मैं निकल जाऊंगा भीमताल की तरफ। सो चलिए गाइस फाइनली हो गया है पहले कैंटीन से काम पूरा और गाइस हल्की हल्की से बारिश हो रही है, तो देखिए अब मौसम भी हो गया बारिश का। सो चलिए गाइस निकलते हैं अपनी दूसरी कैंटीन केला खान की तरफ। चलिए गाइस पहुंच गए यहाँ पे, चलते हैं। सो गाइस अब देखिए मैं बोल ही रहा था कि बारिश होने वाली है, तो गजब की बारिश हो चुकी है गाइस। अब तो गाइस फिर भी पहले से कम है, अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज बारिश होने का, बहुत तेज की बारिश। सो चलिए जी बारिश हो गई है कम, थोड़ी सी पहले से कम हो गई, मतलब इतनी कम तो नहीं हुई। तो चलते हैं यहाँ से भीमताल की तरफ अपनी नैनीहाल, मामा जी को राखी दे के आते हैं। और कोहरा देखे भाई साहब कितना गजब का लग गया है, एक नंबर बिल्कुल। और ठंडा तो ऐसा हो रहा ना भाई साहब, मेरी हाथ में ऐसे खुजली हो रही हाथों में। चलिए जी, ओ हमारी धन्नू खड़ी सामने, चलो 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 चलो, चलो भागो 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 भागो। सो फाइनली लेट्स गो टू भीमताल ननिहाल अपने, वाओ।
गाइज भोपाली रह गए मात्र 2 किलोमीटर। सो चले गए फाइनली एंट्री ले ली हमने गाइज भोपाली में, और गाइज फाइनली यहाँ से निकलते सीधे अब भीमताल की तरफ बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए। और गाइज यहाँ पर आ गए, थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है मुझे, मतलब बारिश वारिश बिल्कुल भी नहीं लग रही मुझे उतनी, लेकिन हाँ गाइज ठंडा तो बराबर लग रहा है, क्योंकि गाइज पहाड़ में है तो ठंडा तो लगेगा ही ऑब्वियसली बात है। लेकिन सच बता रहा हूँ गाइज मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, जब पहाड़ों की साइड में आता हूँ ना गाइज तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं दोबारा से हल्द्वानी की तरफ जाऊँ, प्लेन्स पर चले जाऊँ, लेकिन क्या करें घर वहीं है अपना, जाना तो वहीं पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ गाइज ना एक घर ना हमारा पहाड़ में, पहाड़ का घर जो होता है ना पहाड़ का ही होता है, ऐसा कोई भी गर्मी उर्मी लगी तो आ गए यहाँ घूमने के लिए आराम करने के लिए, है ना। सो लीजिए गाइस फाइनली एंट्री ले ली गाइस मैंने भीमताल में, और गाइस ये है मेरा डांट वाला रास्ता जो गाइस सच में मेरा बहुत फेवरेट रास्ता है। और जब भी आप गाइस मेरा ब्लॉग देखते हो ना भीमताल वाला, आपको ये जगह देखने को ज़रूर मिलती हो, क्योंकि ना मैं हमेशा इसी रास्ते से आता हूँ, मैं कभी मेन रोड से आता ही नहीं हूँ। और यहाँ पर आप देखिए गाइस शाम के टाइम में कितनी अच्छी चहल पहल रहती है, और काफ़ी सारे लोग आते हैं गाइस घूमने के लिए यहाँ पर, इवनिंग वॉक करने के लिए भी आते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। और देखिए जितने भी मोस्टली 2 व्हीलर्स है ना आपको इस रास्ते से निकलते हुए देखेंगे, और देखिए गाइस सामने से व्यू देखिए आप कितना प्यारा यहाँ से व्यू नज़र आता है। चलिए गाइस अब यहाँ से जो है स्कूटी चढ़ानी ऊपर, और भाई साहब ओए 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 चढ़ 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 गाइस पता है पहली बार यहाँ पे स्कूटी चढ़ा रहा हूँ, ओए शिट ओए ओए। और गाइस रास्ता देखिए आप क्या मतलब इतना प्यारा रास्ता है भाई साहब हमारे नैनीहाल को जाने के लिए। अरे भैया ने आगे से बाइक लगा दी, इनके साइड से निकलूँ क्या, चलो ये निकल ही रहे। और गाइस मैं क्या बात कर रहा था आपसे, आप रास्ता देखिए गाइस कितना प्यारा रास्ता है ये, इतनी छोटी सी पगडंडी सी बनी हुई है सीधे हमारे नैनीहाल के लिए जाती है। तो चलिए गाइस ये आया हमारा सामने नैनीहाल हमारे राइट साइड में, कहीं स्कूटी कहीं साइड में लगाते हैं और गाइस चलते हैं बस अंदर। सो चलिए गाइस स्कूटी यहाँ पर ही है, सो गाइस निकलते हैं अपने नैनीहाल, पहुंच गए हैं फाइनली। और सच में गाइस मौसम तो इतना प्यारा हो रहा है ना गाइस यहाँ पे, हाँ बहुत मस्त मौसम हो रहा है, उतना ठंडा भी नहीं हो रहा, मतलब ठीक हो रहा मौसम। बस 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 हम यहीं आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बस 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 बस। सो गाइज मैं आया हूँ भीमताल नैनीहाल अपने मामा जी से मिलने के लिए और उनको राखी देने के लिए। और गाइज मजे की बात ये है कि जो राखी मम्मी जी ने दी थी ना मैं घर में भूल गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ मार्केट में दूसरी राखी लेने के लिए। पहले मैं सोच रहा था स्कूटी लेकर के जाऊँ, फिर मैंने कहा फिर वो दोबारा से स्कूटी चढ़ानी पड़ेगी इतनी ऊपर, मैंने कहा नज़दीक में ही है पैदल पैदल निकल जाते हैं। और गाइज देखिए आप यहाँ से मौसम देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब। सो चले गए पहुँच गए मेन रोड में, सो चले गए ले लिए मैं राखी। और गाइज कितनी मजे की बात है जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं वही घर भूल के आगे बताइए। चलिए जी अब चलते हैं अंदर। और मामा जी कैसा स्वास्थ्य आपका, ठीक है बढ़िया है, फिर भाव भाव अच्छा लगा नहीं है, ठीक है मुझे प्रणाम, बाय बाय। सो चले गए सब निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ, दे दिए राखी जिस काम के लाए थे फाइनली। चले जी निकाले अपने धनों और चले हल्द्वानी की तरफ। चले जी निकलते हैं फाइनली हल्द्वानी की तरफ। और सच बता रहा हूँ यहाँ का मौसम आप देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, और बारिश के बाद तो पहाड़ों का रंग कुछ अलग ही हो जाता है, बिल्कुल एकदम ही हरा हरा हो जाता है पहाड़ बिल्कुल, कोहरा जो है ऊपर की तरफ लग रहा है नीचे को तो नहीं है। भाई यहाँ से है डेंजर खतरनाक वाला स्लोप। चले जी आराम आराम से निकलते हैं, स्लोप देखिए भाई साहब कितना खतरनाक है ये, गजब एकदम। चले जी आ पहुँच गया नीचे। सो चले गाइज फाइनली एंट्री ले ली गाइज मैंने हल्द्वानी में, फिलहाल तो गाइज अभी HMT आया है, हल्द्वानी आने वाले कुछ देर में। सो गाइज मम्मी जी का भी मैसेज आया था कि आते वक्त विशाल मेगा मार्ट से होते हुए आना, तो गाइज फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ विशाल मेगा मार्ट, तो कुछ सामान लेना है यहाँ से, स्कूटी कहीं साइड में टेकते हैं और चलते गए इसके अंदर। गाइज पहुंच गए यहाँ पे, चलते हैं अंदर और देख करके आते हैं कि क्या है यहाँ पर। और भाई बाहर तो सारे डाबर के डब्बे रखे हुए हैं, अरे सामान आ गया क्या डाबर का। चलिए जी करते हैं शॉपिंग स्टार्ट, ले लिया है चाचू के लिए कुछ, उसके बाद खुद के लिए भी देख लेते हैं।
सो गाइस फिलहाल मैं देख रहा हूँ चाचू के लिए कपड़े उसके हिसाब से। सो अब चलते हैं मेन सेक्शन में, कुछ टी शर्ट देंगे अपने लिए। चलिए गाइस बहुत मेहनत के बाद एक टी शर्ट पसंद आई फाइनली, उसकी बिलिंग कराते हैं। चलिए जी बिलिंग करा लेते हैं और बिलिंग के लगते लंबी लाइन में। चलिए जी हो गई शॉपिंग कम्प्लीट, अब चलते हैं। शॉपिंग करना तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, लेकिन ना बिलिंग लाइन लगना बड़ा गंदा लगता है। सो चलिए जी पहुँच गए हैं फाइनली अपने घर की कॉलोनी में। सो गाइस पहुँच गया घर, लगा स्कूटी अंदर। सो चलिए गाइस फाइनली वक्त हो चुका है इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करने का। और गाइस आप देख रहे हैं ये जो व्लॉग है ये है मेरा 14 तारीख का, लेकिन ये आ रहा है गाइस 19 तारीख को। रीज़न गाइस का ये है कि ना इस व्लॉग में गाइस काफ़ी जगह मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा और गाइस लाइट भी चली गई। तो गाइस मैं बता था कि इस व्लॉग में मुझे कई जगह ना वॉइस ओवर करना पड़ा, क्योंकि कई बार जब स्कूटी चला रहा होता हूँ ना तो गोप्रो में मेरी सही से आवाज़ नहीं आती, तो मुझे अपने माइक को यूज़ करना पड़ता है, फ़ोन को यूज़ करना पड़ता है, तो मतलब काफ़ी मतलब झमेला है उसमें। तो जो इसकी एडिटिंग करता है वही समझ सकता है, जैसे कि मैं। तो फिर गाइज आपने इस व्लॉग में देखा कि हम राखी देने पहुंचे भीमताल, और गाइज मजे की बात ये थी कि जो राखी मम्मी जी ने दी थी हमको वहाँ देने के लिए वही हम घर पे भूल गए। तो उसके बाद मैं मार्केट गया, वहाँ से नई राखी ली, फिर वो मैंने मामा जी को दी, और उसके बाद गई मामा जी का थोड़ा हालचाल पूछे, वहाँ का थोड़ा मौसम का आनंद लिया, देन उसके बाद गाइज मैं घर आ गया था। और गाइज मॉर्निंग में जब मम्मी जी राखी दे रही थी ना तो आपने देखा कि थोड़ा सा मम्मी जी इमोशनल हो गई थी। और गाइज जो राखी जो त्यौहार होता है ना, ये एक ऐसा त्यौहार होता है जो भाई बहनों का रिश्ता होता है ना, ये उसको और मजबूत बनाता है ना। भले ही हम अपने भाइयों से बहनों से कितने ही दूर हो, है ना, उनसे डेली बातचीत नहीं होती हो, लेकिन अगर वो राखी मिल जाती है ना तो भाई को भी अच्छा लगता है और एक बहन को भी अच्छा लगता है कि चलो मैंने अपनी जो राखी है अपने भाई तक पहुंचाई। और गाइस आपने देखा मामा जी की सिचुएशन हल्द्वानी आने की थी नहीं, वरना हर साल ऐसा होता है कि मामा जी हल्द्वानी आते हैं, घर आते हैं और मम्मी जी उनको राखी बांधती है, लेकिन थोड़ा सा मामा जी की तबीयत अभी ख़राब है, तो इसकी वजह से हमने कहा चलो हम राखी वहीं दे के आते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस, वहाँ गए राखी दी, मामा जी से मिले, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस इस व्लॉग में। तो गाइस मैं उम्मीद करूंगा ये जो मेरा पूरा व्लॉग था आप सब लोग उसको पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। फिर गाइस मिलते रहेंगे आपसे ऐसे नए और बेहतर व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। कहाँ पे? वहाँ पे। हाँ। तुमने खाना खाया? हाँ। क्या खाया? पीनट बटर। पीनट बटर खाया? हाँ।